उत्तर प्रदेश कारागार मंत्री ने आदेश दिया था कि अब जेल में बंद कैदियों और बंदियों को हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाएगा। गोरखपुर में आज 1000 कैदियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए गोरखपुर जेल के जेलर महोदय मौजूद हैं। किस तरह से बंदियों को आज हनुमान चालीसा का पाठ कराया गया और क्या क्या संसाधन मुहैया कराए गए? माननीय मंत्री जी के निर्देश पर जेल में लगभग 1000 बंदियों को हनुमान चालीसा का पाठ कराया गया। हनुमान चालीसा का पाठ तो पहले से ही बंदी कर रहे थे, लेकिन आज बृहद स्तर पर कराया गया। ये उनके तनाव को दूर करने में अत्यधिक सहायक है। जब बंदी योग और आध्यात्मिक की तरफ उन्मुख होते हैं तो उनमें तनाव और कुंठा में कमी आती है। जब कोई व्यक्ति जेल में आ जाता है तो अपने वो मूल परिवेश से कट जाता है, जिससे उसमें तनाव और कुंठा का आना स्वाभाविक है। ये कारागार प्रशासन का एक बहुत अच्छा कदम है, जिससे बंदियों को भविष्य में जब वो जेल से निकलेंगे तब वो संतुलन बना सकेंगे और पुनः अपराध में प्रवृत्त नहीं होंगे। इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम किस तरह से जेल में किया जाता है और उसके समुचित संसाधन के लिए क्या व्यवस्थाएं रखी जाती हैं? उसके समुचित संसाधन के लिए इंस्ट्रूमेंट की व्यवस्था है, हमारे पास माइक और अन्य इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध हैं और उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाती है, उनके बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाती है और उन्हें जो संसाधन जरूरत होते हैं वो मुहैया करा दिए जाते हैं कारागार प्रशासन की तरफ से। गोरखपुर जेल महोदय ने बताया कि समय समय पर यहाँ आध्यात्मिक और धार्मिक प्रक्रियाएं और अनुष्ठान होते रहते हैं, जिसमें जो भी जरूरत पड़ती पूजा पाठ सामग्री व संसाधन की वह पूर्णतः मुहैया कराई जाती है। अपने सहयोगी जयप्रकाश के साथ मुकेश कुमार गोरखपुर।